स्टेटमेंट, इनडायरेक्ट मेथड। अब ये रीजन आपको बता देता हूँ कि जो हमने वैल्यूज ऐड कर रहे थे ऐड क्यों नहीं, और जो लेस करते हैं वो लेस क्यों होते हैं। देखिए इनडायरेक्ट मेथड ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हम कहाँ से कर रहे हैं, प्रॉफिट से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलता है, इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट से मिल जाता है। अच्छा इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वो एक्रुअल बेस पर बनाते हैं, उसमें अनपेड एक्सपेंस भी आ रहे होते हैं, अर्न एंड इनकम भी आ रही होती है, उसमें हम कैश सेल्स भी लेते हैं, क्रेडिट सेल्स भी रिकॉर्ड होती है, कैश परचेज भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेज आ रही है, टोटल परचेज लेते हैं, टोटल सेल्स। ठीक है, तो उसमें जो हमें इनकम स्टेटमेंट बनाता है उसमें अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें हम पेड वाले भी लेते हैं एक्सपेंस, और अनपेड भी आ रहा होता है ना एक्यूड एक्सपेंस, और जो प्री पेड होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो वहां पे हम वैल्यूज कौन सी लेते हैं फॉर द ईयर, अब चाहे वो पेड हो या अनपेड हो। ठीक है, अब जैसे सेल्स की बात करें तो सेल्स हम लेते हैं कैश भी और क्रेडिट भी, टोटल सेल लेते हैं ना। अच्छा, उसमें क्रेडिट सेल्स भी होती है जिसके अगेंस्ट कैश आपको रिसीव नहीं होता। अच्छा, परचेजेस में क्रेडिट परचेज भी होती है जिसकी पेमेंट आपने नहीं की होती। एक्सपेंसेस लेते हैं वहां पे, कुछ पेड होते हैं, कुछ उसमें अनपेड होते हैं, कुछ प्रीपेड भी होते हैं। तो वहां पर हम फिगर्स लेते हैं फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल परचेज फॉर द ईयर, टोटल पेमेंट्स, टोटल एक्सपेंस फॉर द ईयर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कैश फ्लो में बात करते हैं, कैश फ्लो की, कितना कैश हमने पे किया और कितना कैश हमने रिसीव। ठीक है, तो यहाँ बात होगी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। ये जो प्रॉफिट हम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट से, ये होता है एक्रुअल बेस्ड प्रॉफिट होता है, ये हमारा एक्रुअल बेस्ड प्रॉफिट होता है ना, एक्रुअल बेसिस पे। कैश फ्लो बनाते हैं कैश बेसिस पर। हम क्या करते हैं, पहले इस एक्रुअल बेस्ड प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं कैश बेस्ड प्रॉफिट, ये कन्वर्ट करके आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें क्या होगा कि जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं उसको हम रिवर्स करते हैं। यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट हम नॉन कैश आइटम्स लेते हैं उनको यहाँ पे रिवर्स करके इफेक्ट कैंसिल करते हैं। जैसे जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होते हैं, डेप्रिसिएशन की पेमेंट होती है नहीं होती। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाए अपना कैश बेसिस पर, कैश बेस, तो क्या डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा क्योंकि उसमें कैश फ्लो आउटफ्लो नहीं होता। उससे हम क्या करते हैं, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, इसलिए इन कैश फ्लो बनाते हुए हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, ऐड क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम ग्रॉस प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करते हैं, और इसकी कोई पेमेंट नहीं होती है, नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश आउटफ्लो नहीं होता, इसलिए कैश फ्लो बनाते हुए हम इसको ऐड कर लेते हैं। उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, इनकम स्टेटमेंट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको ऐड करते हैं, रिवर्स करते हैं। ठीक, पहला अटेंडेंस देते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस नहीं होती इसलिए हम इसे माइनस ऐड कर लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट में माइनस होता है, कैश फ्लो बनाते हुए ऐड होता है। इसी तरह अमोर्टाइजेशन है, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो कैश फ्लो बनाते हुए इसको ऐड करते हैं, इनकम स्टेटमेंट के इफेक्ट को कैंसिल करना है, रिवर्स करना है। ठीक, अच्छा इसके बाद देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम एक्सपेंस फॉर द ईयर चार्ज करते हैं ना, अब वो पेड भी हो सकता है अनपेड भी हो सकता है, कुछ पेड हो सकता है कुछ अनपेड, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ एक्यूरेट हो कुछ पेड। तो इनकम स्टेटमेंट हम लेते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर को ऐड कर लेते हैं, और आखिर में फिर यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ से क्या करते हैं, हाँ यहाँ से हम माइनस क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड हम माइनस कर देते हैं जो भी हमने पे किया होता है, और बाकी एक्सपेंस फॉर द ईयर को हम ऐड कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम एक्सपेंस फॉर द ईयर माइनस करते हैं, यहाँ पे उसको ऐड करेंगे, उसको कैंसिल किया इफेक्ट, और फिर जितना हमने पे किया होगा वो माइनस हो जाएगा आखिर। अब इसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होता है, लॉस ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन डिस्पोजल कहाँ आता है, इनकम स्टेटमेंट में आता है ना, लॉस इनकम ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होगा, गेन ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है।
अच्छा देखिए, अब इसको हम नहीं क्या कर रहे, लॉस गेन। अच्छा देखिए, लॉस की अगर हम बात करें तो लॉस में आउटफ्लो तो नहीं होता, कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट से माइनस करते हैं। दोस्तों हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐड करेंगे उसको, रिवर्स करते हैं, कैलकुलेट कैंसिल करने के लिए ऐड कर लेंगे। अच्छा गेन जो होता है, गेन और डिस्पोजल, इसमें तो कैश फ्लो इन्वॉल्व होता है ना, एसेट आप सेल कर रहे हैं, गेन हुआ तो पैसे आपको मिलेंगे, कैश इनफ्लो। अच्छा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम गेन ऑन डिस्पोजल ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं, तो यहां से हम उसको माइनस करते हैं। अच्छा इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, लॉस तो समझ आता है, उसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता, लेकिन कैश इनफ्लो में, गेन ऑन डिस्पोजल में कैश इनफ्लो होता है, पैसे आपको मिल रहे होते हैं। अच्छा फिर भी हम यहाँ से माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट। फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांटेड इक्विपमेंट, ये कब का है, नहीं इन्वेस्टिंग है ना, सेल परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग नहीं है। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम लॉस माइनस करते हैं, लॉस ऑन डिस्पोजल और गेन ऑन डिस्पोजल ऐड होता है ना, तो जबकि वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उसको इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। लॉस इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए माइनस होता है, यहाँ पे ऐड होगा, गेन इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ऐड होता है, यहाँ से माइनस होता है। ये माइनस प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग का पार्ट। तो इसको हमने कहाँ जाना होगा, फिर इन्वेस्टिंग में, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ से माइनस करने के रीजन उसका इफेक्ट कैंसिल करना है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अच्छा तो लॉस गेन पे कहाँ आना चाहिए, इन्वेस्टिंग में आना चाहिए, लेकिन अब यहाँ देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉस गेन तो लिखा हुआ ही नहीं है, अभी क्या बात हुई। हाँ हाँ तो देखिए यहाँ पे रिसीव फ्रॉम सेल, तो इसके अंदर गेन का अमाउंट भी तो आ गया ना, एसेट आप डिस्पोज करेंगे, अब वो चाहे गेन पर डिस्पोज हो या लॉस पे, जो आपको कैश रिसीव होगा वो रिसिप्ट में आ गया ना। गेन पर भी अगर आप ऐसे डिस्पोज करते हैं तो गेन का अमाउंट भी रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा, टोटल जो रिसीव होगा कैश, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना सर, सही ना। तो इसमें आप जो लिखेंगे ना, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर गेन का अमाउंट भी तो आएगा, आ जाएगा ना, तो इसलिए फिर अलग से शो करने की जरूरत नहीं है उसको, तो इसलिए हम यहाँ लॉस गेन अलग से नहीं लिखते, क्योंकि सेल करने पे जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो यहाँ पे आ गया, अब बचा लॉस पे सेल हो या गेन पे, रिसिप्ट में हमने फुल अमाउंट लिख देंगे, तो अलग से उसको शो करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग से उसको इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, क्योंकि वो गेन लॉस इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, और वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ से उसका इफेक्ट कैंसिल किया। गेन ऐड होता है, लेस होता है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो लॉस इनकम स्टेटमेंट में लेस होता है, यहाँ पे ऐड होगा, रिवर्स गेन इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ऐड होता है, तो यहाँ से माइनस, रिवर्स इफेक्ट होता है। अच्छा इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, रिसीव हो रहा है। अच्छा इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम इंटरेस्ट रिसीव को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हैं, अदर इनकम है, लेकिन यहां से हम उसको कर रहे हैं माइनस, क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट हमें कब रिसीव होता है, इंटरेस्ट कब मिलता है, कौन देता है, क्यों देता है, कब देगा, क्या कर रहे हैं, जब कोई इन्वेस्टमेंट किया हमने, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां से इंटरेस्ट, या लोन दिया किसी को, या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो किसी को लोन देना या कहीं इन्वेस्ट करना, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड होता है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट रिसीव ऐड होता है, और ये आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए कैश फ्लो बनाते हुए ऑपरेटिंग से माइनस करेंगे, और इसको फिर हम ले जाएंगे यहाँ इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग में ले जाकर ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। तो वहां से उसका इफेक्ट कैंसिल किया ऑपरेटिंग से, और उसको इन्वेस्टिंग में ऐड कर लेंगे, जो उसकी सही जगह पे, सही जगह पे ले आए। तो इसकी रीजन ये है कि इंटरेस्ट रिसीव
ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ से माइनस करेंगे प्रॉफिट में से और उसको इन्वेस्टिंग में ले जाकर ऐड करते। अच्छा, ये रीजन हो गई। ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इस पर आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, इंक्रीज इन रिसीवेबल हमने माइनस किया, डिक्रीज इन रिसीवेबल ऐड कर। अच्छा, रिसीवेबल्स डिक्रीज कब होते हैं? तो कैश रिसीव होता है ना, तो रिसीवेबल्स डिक्रीज होने का मतलब कैश हमने रिसीव किया ऐड कर लेंगे, और रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब कैश नहीं मिला, जाने मिला नहीं हमें, सेल हमने कर दी है कैश नहीं मिला, तो उसको माइनस कर देंगे। देखिए, इन रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब आपने क्रेडिट पे गुड सेल की, सेल आपकी इंक्रीज हो गई, सेल इंक्रीज होने से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हुआ। रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब सेल्स आपकी इंक्रीज हुई, सेल्स इंक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, लेकिन कैश तो नहीं मिला, तो यहां से उसको माइनस कर। क्रेडिट पे सेल्स किया आपने, सेल्स आपकी इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज हो गई, इनकम इंक्रीज होने से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा? प्रॉफिट बढ़ गया लेकिन कैश तो नहीं मिला ना, तो क्या करें? माइनस करें, इसलिए इंक्रीज को माइनस करें। रिसीवेबल इंक्रीज होने से आपकी सेल इंक्रीज होती है, सेल इंक्रीज होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा, लेकिन कैश रिसीव नहीं होता, इसलिए यहाँ से माइनस करते हैं। तो इंक्रीज को माइनस करना है, डिक्रीज को आपने ऐड। इन्वेंट्री की बात करते हैं, इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब आपने गुड सेल की, कैश रिसीव हुआ, ऐड कर लिया। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है मतलब आपने गुड्स खरीदी हैं, तो कैश आउटफ्लो होगा, ये माइनस कर। अच्छा, प्री पेमेंट की बात करते हैं, प्री पेमेंट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो मींस आपने एडवांस पेमेंट की है। प्री पेमेंट इंक्रीज होने के बाद आपने एडवांस पेमेंट कर दी, तो कैश आउटफ्लो हुआ आपका, माइनस कर। अच्छा, डिक्रीज होने का मतलब आपने जो पिछली प्री पेमेंट थी उनको यूज किया, वो एक्सपेंस बन गए, एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, लेकिन कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट में ऐड। पहले क्या आपने पेमेंट की थी वो आपने यूज कर दी, वो एक्सपेंस बन गई, एक्सपेंस आपके इंक्रीज हो गए, प्री पेमेंट्स डिक्रीज हुई तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इसमें कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना, इसलिए इसको फिर ऐड बैक। प्रॉफिट जो कि डिक्रीज हो गया ना, लेकिन कैश तो पे नहीं किया आपने, पहले की एडवांस पिछले साल आपने पे किया था, इस साल आपने उसको यूज कर लिया, तो प्री पेमेंट्स क्या हो गई? कम। एक्सपेंस क्या हो गए? बढ़ गए। एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट क्या हुआ? कम हो गया, लेकिन कैश तो पे नहीं हुआ ना, कैश तो नहीं गया, इसलिए उसको ऐड कर। ऐड। अच्छा, अब इस पर देखें, एसेट्स के लिए रूल सेम है, एसेट्स के लिए रूल्स सेम है, इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस, डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड। लाइबिलिटीज पे आते हैं, पेबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होने का मतलब आपने सप्लायर को पेमेंट की, कैश आउटफ्लो हुआ, माइनस। पेबल इंक्रीज होने का मतलब आपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं की, कैश होल्ड कर लिया, उसको ऐड कर ले। एक्रूवल्स डिक्रीज होने का मतलब आपने पेमेंट कर दी, एक्सपेंस पे किए, लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, कैश पे किया, कैश आउटफ्लो हुआ, माइनस कर। एक्रूवल्स इंक्रीज होने का मतलब आपने लायबिलिटी पे नहीं की, कैश होल्ड कर लिया, ऐड कर। अच्छा, इसके बाद फिर ये शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट क्या है देख लिया हूँ, एक्रूवल्स इंक्रीज होने का मतलब डिक्रीज का मतलब आपने पेमेंट की, कैश आउटफ्लो माइनस हो गया, इंक्रीज का मतलब आपने पेमेंट नहीं की, कैश होल्ड कर लिया, ऐड कर, ये शॉर्टकट। उसके बाद फिर इंटरेस्ट पेड, ये जो पेमेंट होगी वो माइनस कर देंगे, टैक्स पेड वो भी हम माइनस कर देते, तो पेड वाला अमाउंट होता है आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गए इसके शॉर्टकट रीजन।
अब इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अब इसमें क्या, हर एक के लिए एक अकाउंट बनेगा, इंक्रीज का अलग, डिक्रीज का अलग, इंक्रीज अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के अकाउंट बनेगा, ठीक है। वो मैंने पहले से बनाया, मैं पहले जब समझाया था तो बना दिए थे, तो वही बने हैं, उसमें आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बार बार बनाने में काफी टाइम लगेगा। तब इसकी डिटेल रीजन आपको समझाता हूँ। अच्छा, ऊपर वाले रीजन तो वही है, वो तो मैंने समझा दिया, इसकी तो कोई डिटेल नहीं है। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है डेप्रिसिएशन, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए लेस होता है, यहाँ पे रिवर्स हो जाता है इफेक्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस हम माइनस करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लिया, आखिर में पेड वाला अमाउंट माइनस कर दिया। गेन लॉस ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होते, इसलिए यहाँ से उसको इफेक्ट को रिवर्स करते हैं और कहाँ ले जाएंगे, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इन्वेस्टिंग का पार्ट, इसलिए यहाँ से माइनस होगा और यहाँ जाके ऐड होगा। तो यहाँ पहले पार्ट में हमने एडजस्टमेंट, हमने क्या किया, इनकम स्टेटमेंट के इफेक्ट को रिवर्स किया, ठीक। इसमें तो ये रीजन ये है, उनके इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है और ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होते, इन्वेस्टिंग का पार्ट। रीजन इसकी है कि इंक्रीज ऐड क्यों हो रहा है या लेस क्यों हो रहा है, डिक्रीज ऐड या लेस क्यों हो रहा है, इसके रीजन बता देता हूँ। अब हम पहले रिसीवेबल्स की बात करते हैं। अभी मैंने अकाउंट्स बनाए हुए, क्योंकि पहले हम ये वाला अकाउंट देखते हैं, तो मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो ये रिसीवेबल अकाउंट है, इसको हम देखते हैं पहले। रिसीवेबल अकाउंट पे बात करते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, रिसीवेबल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज इन रिसीवेबल को हम ऐड कर रहे हैं ना, फॉर्मेट में देखें, डिक्रीज को ऐड कर रहे हैं। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, हम देखें रीजन बताता हूँ। अच्छा, इसमें देखें सेल्स कितनी हो रही है, कलेक्शन कितनी हुई, 52, ठीक है। सेल्स हमने की है 50,000 की, कलेक्शन हमने की 52,000 की। सेल्स कम की है, कैश इनफ्लो ज्यादा हो गया ना, सेल्स कम की, कैश इनफ्लो ज्यादा है। अच्छा, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें सेल्स कितनी रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस पर इफेक्ट कितने का आएगा, 50,000 का आएगा, 50,000 का आएगा ना। लेकिन कैश हमने रिसीव कितना किया, तो 2,000 हमें और ऐड करने चाहिए, हाँ। सेल्स हमने की 50,000 की, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो प्रॉफिट कितना लिखेंगे उसमें, 50,000। वो सेल्स कितनी लिखेंगे, 50,000। तो जो प्रॉफिट आएगा उस पर इफेक्ट कितने का आएगा, 50,000, ठीक है। जबकि कैश हमने रिसीव कितना किया, तो 2,000 हमें प्रॉफिट में ऐड करने चाहिए, अपने करने चाहिए ना, डिक्रीज हाँ। तो डिक्रीज रिसीवेबल डिक्रीज होने का मतलब होता है सेल्स आपने कम की है लेकिन कैश आपने ज्यादा रिसीव किया, इसलिए आप 2,000 मजीद ऐड करें, ठीक है। हाँ, होता छोटा है ना, कर लो जल्दी जल्दी। अच्छा, तो पहला पॉइंट समझ आ गया, रिसीवेबल डिक्रीज का बोलते होने का मतलब क्या है, सेल्स आपने कम की है, कलेक्शन ज्यादा हो गई, इसलिए डिफरेंस ऐड करेंगे, डिक्रीज को ऐड करेंगे, है। अच्छा, अब आ जाए डिक्रीज की बात करते हैं, इंक्रीज की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब रिसीवेबल्स यहाँ देखते हैं, सेकंड अकाउंट में देखते हैं। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,000। क्लोजिंग कितना है, रिसीवेबल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। सेल्स कितनी की हमने, कैश कितना रिसीव किया, 49। अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें सेल्स कितनी रिकॉर्ड होंगी, 50,000। तो प्रॉफिट पे इफेक्ट कितने का आएगा, 50,000 का। लेकिन कैश इनफ्लो कितना हुआ, कैश हमने कम रिसीव किया, तो उसे 1,000 माइनस कर, ठीक है।
प्रॉफिट हमारे तो ज्यादा शो कर रहा है ना, इसलिए कैश हमने कम रिसीव किया, माइनस कर दो। ठीक, तो रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब है सेल्स हमने ज्यादा किए, कर कैश हमने कम रिसीव दो। किया इसलिए माइनस कर दो। भाई हाँ क्लियर हो गया जी? रिसीवेबल का मतलब कितना रिसीव करना है, रिसीवेबल। अच्छा पेड हंस पे आते हैं, पेबल पे आते हैं, सॉरी लाइबिलिटी पे आते हैं। अब देखिए अकाउंट्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस 5000 है, क्लोजिंग बैलेंस 2000, पेबल्स आपके 3000 डिक्रीज हो रहा है। अच्छा डिक्रीज होने की रीजन क्या, देखिए परचेज हमने कितनी की, 40,000 की, कैश कितना पे किया, 40,000। परचेज हमने कम किए, पेमेंट ज्यादा कर। अच्छा जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, हम जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सब परचेज कितनी रिकॉर्ड होंगी, वहां से 40,000 माइनस करेंगे, लेकिन पे कितने की हमने, 3,000 और माइनस होने चाहिए। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए परचेज हम लेंगे 40,000, तो सेल्स में से परचेज माइनस होंगी या कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस होती है, तो माइनस कितने होंगे 40,000, तो प्रॉफिट कितने से कम होगा, 40,000 से, लेकिन कैश कितना पे किया, तो 3,000 और माइनस करना पड़ेगा। डिग्री तो डिक्रीज इन पेबल, तो डिक्रीज इन पेबल का मतलब परचेज हमने कम की और सप्लायर को पेमेंट ज्यादा की है, इसलिए 3,000 मजीद माइनस कर देंगे। इंक्रीज पर आते हैं, अब पेबल्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ देखिए पेबल्स का ओपनिंग बैलेंस 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 5,000, पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि परचेज हमने किए 40,000 की, पे हमने किए 38,000। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो सब परचेज कितनी रिकॉर्ड होंगी, 40,000, तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा 40,000 से, कम हो जाएगा, लेकिन पे कितने किए हमने, 38,000 कम पे किए हैं, तो इसके 2,000 हमें ऐड करना होंगे, प्रॉफिट को बढ़ाना होगा। तो पेबल्स डिक्रीज होने का मतलब परचेजेस आपने ज्यादा की और कैश आपने कम पे किया, इसके डिक्रीज इन पेबल को ऐड करें। क्लियर? अच्छा अब आते हैं इन्वेंट्री पे। देखिए इन्वेंट्री का लिंक हमारा बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ये हमने इन्वेंट्री अकाउंट बनाया, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है, परचेज ठीक है, परचेज हमने किए 50,000 की, क्लोजिंग बैलेंस 6 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। अच्छा देखिए इन्वेंट्री में क्या चीज आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इन्वेंट्री आपके इंक्रीज हो रही है, राइट। अच्छा हम देखिए हमने परचेज कितनी की, 50,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रही है, 48,000। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रिकॉर्ड होगी, 48,000 माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट आपका कम होगा 48,000 से, लेकिन परचेज आपने कितनी की है, 50,000 की। परचेज आपने ज्यादा की, कॉस्ट आप कम चार्ज कर रहे हैं, तो 2,000 मजीद माइनस करो। इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब आपने परचेज ज्यादा की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कम चार्ज की, कम माइनस की इनकम स्टेटमेंट से, इससे 2,000 मजीद माइनस। स्टॉक इंक्रीज होने का मतलब आपने परचेज ज्यादा किए, परचेज ज्यादा किए तो कैश आउटफ्लो ज्यादा हुआ, तो उसको माइनस करना। तो परचेज हम ज्यादा कर रहे हैं, कॉस्ट हमने कम चार्ज की, तो मजीद माइनस करेंगे ना 2,000। यहाँ देखिए इसमें इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,000, इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज क्यों हो रही है, परचेज हमने किए 50,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है 51,000। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी माइनस होगी, 51, तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा 51,000 से, लेकिन परचेज कितनी की हमने, 50,000। तो परचेज हमने कम किए हैं, कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो रही है, इसलिए 1,000
ऐड होती है। इन्वेंट्री डिक्रीज होने का मतलब परचेज हमने कम की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा चार्ज की, इसलिए उसको ऐड कर। ठीक है, परचेज हो रही है 50,000 की, इनकम स्टेटमेंट से कॉस्ट माइनस होगी 51, तो परचेज कम की माइनस हम ज्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉफिट में 1,000 ऐड हो। ठीक है, अच्छा प्री पेमेंट्स और एक्टिवल्स की बात करते हैं। अच्छा ये पहले एक्सपेंस प्री पेमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंस अकाउंट है, ठीक है। प्री पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस 2,000, क्लोजिंग बैलेंस 3,000। प्री पेमेंट्स में आपके इंक्रीज हो रहे हैं ना, एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने कैश पे कितना किया है, 20,000। इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कितने हो रहे हैं, 19,000। तो एक्सपेंस हमने पे किए 20,000 के, और इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस हम चार्ज कर रहे हैं 19,000, तो इसकी वजह से आपकी प्री पेमेंट्स इंक्रीज हो गई। इंक्रीज तो प्री पेमेंट इंक्रीज होने की रीजन क्या है, कि एक्सपेंस हमने कम चार्ज किए और पेमेंट ज्यादा की, इसलिए 1,000 मजीद माइनस हो जाए। ठीक है, तो प्री पेमेंट इंक्रीज होने का मतलब पेमेंट हमने ज्यादा की, एक्सपेंस कम चार्ज किए, जिसकी वजह से आपकी प्री पेमेंट्स इंक्रीज हो गई, तो 1,000 मजीद माइनस। याद रखिए प्री पेमेंट्स इंक्रीज होने का मतलब पेमेंट हम ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपेंस कम चार्ज कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंस जो है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें जी क्यों आ रहा हो जाएगा, अरे एरर क्या है। अब इसमें आ जाए डिक्रीज हो रही है, प्री पेमेंट्स ओपनिंग बैलेंस 2,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,000, प्री पेमेंट्स डिक्रीज हो रही है। तो रीजन क्या देखा, हमने कैश पे कितना किया 20,000, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कितने कर रहे हैं एक्सपेंस 21, तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो रहे हैं, पेमेंट हमने कम की, इसके वजह से प्री पेमेंट्स आपकी तो कम हो गई, यानी कि आपने पिछले साल वाली प्री पेमेंट यूज कर दी ना, इससे आप क्या करेंगे, 1,000 ऐड कर दें। तो प्री पेमेंट्स डिक्रीज होने का मतलब आपने पेमेंट कम की, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किए, इसलिए इसका डिफरेंस ऐड हो जाएगा। सब एक्रूवल्स देख लेते हैं क्या, हाँ पूछ लें कुछ पूछना सर, जी, हाँ पूछें। उसमें आपने बोला था कि सर वहां पे इतने प्रीपेमेंट पेमेंट ज्यादा करेगी, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में कमी कर दिया होगी, हाँ पेमेंट ज्यादा थी, ये चार्ज कम किए थे, एंड इसलिए की रिकॉर्ड मजीद करेगी माइनस करेंगे। सर, इसमें भी सर पेमेंट कम करेगी लेकिन इनकम स्टेटमेंट में ज्यादा रिकॉर्ड हाँ करेंगे उल्टा सर। होगा ना, यहाँ पेमेंट ज्यादा है चार्ज कम है, ओके यहाँ पेमेंट कम है चार्ज ज्यादा है, अपोजिट है, गलत फिर भी नहीं है। वो माइनस हम कितने करेंगे, 21,000, हाँ एंड तक के ही होंगे, होंगे सारे एंड तक। इनकम स्टेटमेंट में तो एक्शन सारे फॉर द ईयर होते हैं ना, साल तक, ना पिछले साल के होते हैं ना उसका अगले साल के, सिर्फ करंट ईयर के। अच्छा अब आ जाए एक्रूवल्स पे। एक्रूवल्स का ओपनिंग बैलेंस 3,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,000, एक्रूवल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज होने की रीजन क्या देखें, पेमेंट हमने की 20,000 की, चार्ज हमने किए 19,000, पे ज्यादा कर रहे हैं चार्ज कम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके एक्रूवल्स कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई ना, इसके आप क्या करेंगे, डिफरेंस लेकर माइनस करें। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कब होती है, जब आप पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसका मतलब देखें, आपने पे कितने किए, चार्ज कितने किए, 19,000 आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन पे आप कर रहे हैं ज्यादा, तो ज्यादा अमाउंट आपने पे किया, इसकी वजह से आपकी लायबिलिटी कम हो गई, तो पेमेंट ज्यादा हो रही है, कैश आउटफ्लो माइनस होता है। तो एक्रूवल्स डिक्रीज होने की रीजन क्या है, आपने पेमेंट ज्यादा की, एक्सपेंस आपके कम थे, पे आपने ज्यादा कर दिया,
इसकी वजह से लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई, इसके ये माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा इसके इंक्रीज को देख लेते हैं। अब से देखें एक्रूअल्स तो ओपनिंग है 2000, क्लोजिंग बैलेंस 4000, एक्रूअल्स तो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज होने की रीजन क्या है कि एक्सपेंस हमारे थे 22000 के, पे हमने किए 20000, एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हुए, एक्सपेंस ज्यादा थे, पे हमने कम किए, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो उसको ऐड कर लें। इनकम स्टेटमेंट से माइनस कितने होंगे, 22000 पे कितने कर रहे हैं 20000, तो 2000 आपको ऐड करना पड़ेंगे। पे कम किए, चार्ज ज्यादा कर दिए, इसलिए 2000 ऐड। तो लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किए और पेमेंट आपने कम की, इसलिए डिफरेंस ऐड। ठीक, ये इसकी डिटेल भी जानो। सही, और